साइंस मार्केट के करीब स्थित सुगम पार्क में लगी आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुगम पार्क के A1 ब्लॉक के 3rd फ्लोर में आग लगी थी। सुगम पार्क वासियों ने सुगम एडमिनिस्ट्रेशन पर यह आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही के कारण ही यह घटना घटी है। वहीं सुगम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लोगों का कहना है कि पूरे सुगम पार्क में कोई फायर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। वहीं दमकल विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को बुझाया और A1 ब्लॉक में फंसे लोगों को बाहर निकाला। किसी व्यक्ति को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आग लगने से कई सामान जलकर राख हो गए। ये आज शाम को 5 बजे सुगम पार्क के A1 ब्लॉक में आग लग गई और मुझे खबर मिली तो हम आए और हमारे साथ जितने यहाँ जो वॉलंटियर्स लोग हैं या जो सुगम पार्क के अंदर में एक्टिव लोग हैं, उन लोग अपने तौर पर मेहनत करके शीशा तोड़ करके और पानी वगैरह दिए, तो लेकिन सब लोगों को हम लोगों ने दिया डायरेक्शन कि ऊपर जाइए, लेकिन अभी तक अभी आग तो बुझा है लेकिन सब जगह स्मोक्स है। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया, अभी भी 7th फ्लोर 5th फ्लोर में बहुत सारे लोग हैं। फ़ोन से हमारे पास कॉल आ रहा है कि मैं 5 में हूँ, कोई 6 में, कोई 4 में है। तो यहाँ ये सुगम अथॉरिटी का बहुत बड़ा नाकामी है। ये सुगम अथॉरिटी जो है ये यहाँ पर आग का फायर एक्सटिंग्विशर का सही कोई बंदोबस्त नहीं है। जितने भी हर फ्लोर में फायर एक्सटिंग्विशर को उन्होंने खोल के रख दिया है और उसके बाद हम लोगों ने ADDA में भी जाकर के कंप्लेन किया, बोला आज ADDA के आज इंक्वायरी भी हुआ यहाँ पर और उस लोगों को दिखाया भी गया। हम लोगों ने दिखाया कि देखिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर सब ब्लैंक रखा हुआ है, अगर आग लग जाएगा तो क्या होगा। उन लोगों ने नोट किया, हम लोगों ने मीटिंग में ही बोला और ये जो सुगम अथॉरिटी है जो लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है उन लोगों को बार बार बोला जा रहा है। हम लोगों ने बार बार चेतावनी दिया कि कहीं पर नहीं है, सिर्फ A2 की बात नहीं, पूरे सुगम पार्क में अच्छा फायर सिक्योरिटी नहीं है और जो वो बात सही साबित हुआ कि ये ऐसा हो गया। हम लोगों ने बार बार कहा कि हम लोग सब अपने जैसे शाम में काम से आकर घर पे बैठे रहते हैं, अचानक से मेरी सिस्टर आई हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ जलने की महक आ रही है। तो मैं A2 में रहता हूँ जहाँ आग लगी उसके बगल वाली एकदम जस्ट ऑपोजिट बगल बिसाइड में, तो मैंने देखा तो देखा बहुत खराब से काला धुआं, पूरा सुगम का एटमोसफियर धुआं और सारे A2 A1 A3 की लाइट्स को बुता दी गई। इसमें पता चला कि देखा आग लगा, तो सबसे पहले मैंने दिमाग ये काम कि जो जिस अवस्था में थे सब नीचे, मैंने A2 के सारे रेसिडेंट्स के दरवाजे को नॉक करके सबको निकलवाया पहले, और जब तक नीचे आकर हम लोग A1 के इस आग को बुझाएं, अगर होस पाइप धर रहे थे तो होस पाइप भी लीक था। सुगम मेंटेनेंस रजिस्ट्री होती है तो सुगम मेंटेनेंस 6 महीना का ले लेता है, हमारा 22 मार्च 2022 तक का दिया हुआ, लेकिन ये मेंटेनेंस अगर है तो ऐसा क्या होगा। हर इंसान के बीच में एक ऐसा अफरा तफरी मचा हुआ था कि बोला नहीं जा सकता था। अभी हम लोगों ने 4 लोगों को बाहर निकाला है, 2 बच्चे हैं, 1 बूढ़ी है, 1 लेडी है, मतलब पता नहीं चल रहा बाल्टी में डाल के निकालूं कि, क्योंकि दमकल अभी जो बड़ी वाली आई है ये 5:50 में बोला गया था निकल चुकी है और आई है 6:45, 1 घंटा पूरा लगा इसको आने में, पहले छोटा वाला दमकल आया। और हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर, आज हमारा AO के साथ मीटिंग हुई थी, पूरे सुगम हम लोग के जो सोसाइटी है उनको लेकर हम लोगों ने मीटिंग किया और उनको पूरा सर्वे कराया कहाँ पे रोड्स टूटे हुए कहाँ, और स्पेशली फायर ब्रिगेड से ये बात हुई, सर ये आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, इसको एक रिन्यू नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने सुगम होम से रिक्वेस्ट किया था कि आप एक डेमो क्लास करवाइए, अगर दमकल आने में देरी होती तो हम लोग किस तरह से आग लगेगा तो बचाएंगे। सुगम होम्स ने वादा किया लेकिन आज तक वो भी नहीं कराया। और सबसे जरूरी बात है कि हम लोगों ने जब बोला कि ये बाल्टी खाली रहती है, इसमें बालू नहीं है, कुछ भी बुताने की सुविधा, तो ये अभी तक जाके आप फोटो ले सकते हैं, हर टावर के नीचे में फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। क्यों, अभी मेरे पास उतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जो हम लेकर जाएं इसको और जो हम ये करें रिन्यू करें। तो इस तरह से एक एक फ्लैट, कोई भी फ्लैट 25, 26, 30, 35, 40 लाख, 50 लाख से कम का नहीं है। ये टेरेस फ्लैट बिक्री करते हैं 56-56 लाख में, उसमें भी इतनी क्रैक्स है कि सर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये एकदम टोटल, अब इसका रिजल्ट कल सुगम को जवाब देना पड़ेगा, टोटल जिम्मेदार सुगम है। अभी भी दमकल के लोग लगे हुए, अभी भी कुछ लोग हैं टेरेस पर है, देखा जा रहा है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, प्रे टू गॉड कि सब ठीक हो जाए। कोई किसी को अभी कैजुअल्टी किसी की नहीं हुई है, सामान की कैजुअल्टीज हुई है जहाँ आग लगी है, उनका बहुत कुछ जल गया है। आपका नाम? मोहम्मद अली अंदली, मैं 825D में रहता हूँ। ये ब्लॉक A1 में लगी है, A1 में 3rd फ्लोर में आग लगी है। सर हम लोग की दुकान में थे, मेरे ग्रोसरी शॉप 70 रोड में, 2 बच्चे थे यहाँ पर सर, अब क्या कारण हुआ, कारण तो पता नहीं पता पा रहे क्या कारण इसका है। लेकिन बच्चे को इसके सारे फैमिली कैसे कैसे हाँ कैसे क्या हुआ सर, क्या बताया, तो अच्छा बताया, कितने बच्चे थे अंदर में? 2 बच्चे थे अंदर में, मिल गए हाँ दोनों बच्चे,
रेस्क्यू कर लेके सारे फैमिली और कोई फैमिली आपका अंदर जी कोई फैमिली अंदर नहीं रह गया घर में टोटल कितने फैमिली मेंबर थे चार चार मिले जी भैया भैया मेरे को तो यहाँ गुप्ता जी का फोन आया मेरा बगल वाले का बोले कि आप देखिए कि थर्ड फ्लोर में आग लगा हुआ है तो हम तोड़ के निकल के आए स्टाफ को लेके हम है ना तो पता चला कि आग का लगा हुआ है हम तो ऑलरेडी दुकान में थे अब मेरी वाइफ गई हुई थी अपना एक पड़ोसी के यहाँ पर कुछ भजन कीर्तन था उसमें गई हुई थी है ना तो हम जब जैसे आए हैं तो पता चल रहा है कि आग लगा हुआ है कैसे लगा है शॉर्ट सर्किट ही हमको जैसा लग रहा है कि पूरा मीटर पूरा तार वार में लगा हुआ है हम सेकंड में भी देखे कि पूरा तार में लगा हुआ था किसी तरह बच्चों को निकाला गया है किसी तरह से बच्चों को सोसाइटी के लोगों का काफ़ी कोऑपरेट मिला हम लोगों को है ना दमकल भी आए हैं मगर काफ़ी समय लेट हुआ है ये कार्य करने में काफ़ी लेट हुआ है जो सरलता से होना चाहिए था जो शुरुआत ही आग लगने के साथ ही होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है ये आप लोग के सोसाइटी में क्या सारा सामान है आग बुझाने का मतलब पानी का तो अवेलेबल है जैसे जिस टाइप से देखा कि पानी मारा गया था यहाँ पर जो एक पाइप रहता है ना उसके द्वारा में देखिए कि पानी बुझाया तो जा रहा था जो एक फायर अलार्म वगैरह बजा है कि वो तो मैं तो है ना आधे घंटे के बाद में आया हूँ आधे घंटे के बाद आया हूँ मैं है ना थोड़ा सा लेट हो गया था मेरे को है ना और आने के बाद ये देखा कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है आपका नाम बता दीजिए मेरा नाम दिलीप अग्रवाल है अभी हम लोग को खबर मिला कि यहाँ पे आग लग चुका है हम लोग संग दमकल को इतला किए दमकल तुरंत स्पॉट पे आकर उन लोगों को रेस्क्यू करके बच्चा लोगों को निकाला है अंदर से फ्लैट में लेकिन अभी तक सही रूप से पता नहीं चला है कि ये आग किस तरह से लगा है शॉर्ट सर्किट से लगा है सुगम पार्क की गलती की वजह से या फिर ऐसे ही आग लगा है या कोई कारणवश से लगा है ये अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है अब धीरे धीरे जब इस पर पूरा जांच होगा तब पता चलेगा कि आग किस तरह से लगा है अभी आप लोग इसको सारे फैमिली का रेस्क्यू हुआ है जो लोग अंदर में थे दमकल कर्मी हमारे पश्चिम बंगाल के दमकल कर्मी और हमारे इस अंचल के पुलिस नॉर्थ पी एस के पुलिस सब बल मिलकर और यहाँ के लोग के साथ मिलकर उन लोग को रेस्क्यू करके वहाँ से निकाल दिया गया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से एसडीओ को कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार रवि साव पर हुए हमले के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया इससे पहले बीएनआर से एक प्रतिवाद रैली निकाली गई इस मौके पर देवेश चक्रवर्ती शशि दुबे एसएम मुस्तफा जाकिर हुसैन चंडीदास चटर्जी मुख्य तौर से उपस्थित थे पश्चिम बंगाल में हम लोगों को जनता हम लोगों को मांगती है पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज को दबाकर बूथों को लूट लूट कर पश्चिम बंगाल के कॉर्पोरेशन आसनपुर के कॉर्पोरेशन को सखर किया जाएगा और ये पुलिस प्रशासन एक मूर्ति की तरह खड़े होकर देखेगी तो ये दोस्तों ये इस तरह की सरकार जो कि पुलिस प्रशासन जो कि निष्क्रिय है पुलिस प्रशासन को अपनी ताके पोकस से उलंग करे पुलिस सामने ताके मारा हुई है शुद्ध আপনারা বিভিন্ন জায়গায় সোশ্যাল মিডিয়া সব জায়গায় দেখেছেন এই ছবি ভাইরাল হয়েছে ফেসবুক থেকে টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ সমস্ত জায়গায় কিন্তু তারপরেও পুলিশ কোনো সদার্থ ভূমিকা নেয়নি এবং পুলিশের সামনে ঘটছে খালি রবি সাহানা বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস কর্মী শুধু কংগ্রেস কর্মীই বলবো না বিরোধী দল যারাই প্রার্থী হয়েছিলেন যারাই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাদের উপরে নির্মম অত্যাচার চলছে পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে আমরা তাই চাই অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিয়ে পুলিশ এবং সরকার তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখুক কারণ আগামী দিন হয়তো এক দু মাসের মধ্যে আসানসোলও কর্পোরেশন নির্বাচন হবে এখানেও আমরা একই জিনিস দেখতে পারবো দুর্গাপুরে আমরা দেখেছি 2017 সালে কয়লা মাফিয়া বালি মাফিয়াদের দিয়ে ভোট লুট করতে
এই জিনিস এখানেও দেখব। অবিলম্বে এগুলো বন্ধ করা দরকার, কারণ সবারই গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, কেউ হারবে কেউ জিতবে, কিন্তু গণতন্ত্রের কণ্ঠকে যেভাবে রোধ করা হচ্ছে, যেভাবে গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ প্রতিরোধ। रानीगंज थाने की ओर से थाना प्रभारी अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में थाना परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कुल 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस रक्तदान शिविर में प्रवीरधर एसीपी तथागत पांडे, आईसी रियाजुद्दीन, आईसी मैनूल हक, अरविंद सिंघानिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। দেখুন, সারা পশ্চিম বাংলায় আজকে গত 39 বছর ধরে যে রক্তদান আন্দোলন চলছে, সেই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা, বিশেষ করে আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের যার উদ্যোগে এই পুরো এলাকায় 17টি থানার মধ্যে অন্যতম থানা রানীগঞ্জ পিএস। এই রানীগঞ্জ পিএসে আমি প্রথমে আমার মাননীয় সম্মানীয় যার নেতৃত্বে আজকের এই রক্তদান শিবির, সেই মাননীয় অফিসার ইনচার্জ অজয় মণ্ডল, আমাদের এখানে আইসি স্যার, আমাদের এখানে প্রত্যেকে পুলিশ আধিকারিক যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আমি পশ্চিম বাংলার রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মীদের পক্ষ থেকে ওনাদের আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। এবং রক্তদান এমন একটি মহান দান যেখানে কোনো রক্তের জাত নেই, ধর্ম নেই, রক্তের কোনো রাজনৈতিক রং নেই। আজকে যারা রক্তদান করবেন সেই রক্তদাতা জানবেন না আগামীকাল হিন্দু পাবে না, মুসলিম পাবে না, শিখ পাবে না, খ্রিস্টান পাবে না, অল পলিটিক্যাল পার্টি রাজনৈতিক তৃণমূল পাবে না, কংগ্রেস পাবে না, সিপিএম পাবে না, বিজেপি পাবে না, এসএফআই পাবে না, ডিএফআই পাবে। এটাই হলো জাতীয় সম্প্রীতি, ন্যাশনাল কমিউনিটি, এটাই হলো একটা ভাতৃত্বের বন্ধন। সেই ভাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট রাখতে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शन सपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सौष्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट,
वुडन फ्लोर, कॉर्पेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाएं सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसुसोर। कॉल करें 9883802437 पर। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward and light the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, nursery to class 12, science, arts and commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, Arise to Chaga, Chamuria, Asansol 713309, List Bed 1, our text helpline 9932621836, 8653839325 and 9564310088. আমরা যাতে এই কনক্লেভটাকে মানুষের কাছে ধীরে ধীরে পৌঁছে ইন্টারেস্ট এবং আগ্রহ বাড়ানো যায়, যাতে অন্য স্টেটে যা ফ্যাসিলিটি আছে যা করা যায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের এটাকে কার্যক্রম আমরা বাড়াতে চাই। এবং সর্বোপরি আমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটের থেকে আমাদের স্টেট এই মাইক্রো স্মল স্কেল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এবং টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টে অনেকটা ডেভেলপড এবং ইম্প্রুভ করেছে। এই ডেভেলপমেন্ট মোট 4.47 কোটি টাকার সাহায্য পেয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম বর্ধমানে 20টি ইউনিটে 2.41 কোটি টাকা, বাঁকুড়ায় 12টি ইউনিটে 91 লক্ষ টাকা, 91 এবং পুরুলিয়ায় 15টি ইউনিটে 1.15 কোটি টাকা। আগামী 2 বছরে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় জেলায় সরকারের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কাজের সুযোগ তৈরি হয়। এই উদ্দেশ্যে 2014 সালে বেসরকারি শিল্পতারক স্যাপ তৈরির নীতি তৈরি হয়। সত্য ছিল একটাই, ন্যূনতম 20 একর জমি নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লান্ট গড়ে তুলতে হবে। বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে বেসরকারি শিল্পক গড়া আরও সহজ করার জন্য এই নিয়ম নীতি শিথিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। এখন শিল্পতারু করতে চাইলে আর 1 লক্ষে 20 একর জমি প্রয়োজন নেই, 5 একর থাকলেই হবে। শুধু তাই নয়, এখন থেকে आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।